इंदौर के पितृ पर्वत पर हनुमान जी की 72 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा के बाद यहां दर्शनार्थियों का तांता लगा हुआ है और इसी कड़ी में नगर भोज का आयोजन भी किया जा रहा है। यहां पर 10 लाख लोगों के लिए भोजन तैयार किया जा रहा है और इस तैयारी से संबंधित कुछ वीडियो हम आपको दिखाते हैं। अभी तक भाई साहब कल से नुक्ति बनने का काम चालू हो चुका था। देसी घी की नुक्ति यहाँ बन रही है। पितेश्वर हनुमान मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा है उसमें आज 10 लाख लोगों का नगर भोज जो है उसके अंदर नुक्ति का प्रसाद बन चुका है। 70% भोजन अभी तक लगभग कंप्लीट हो चुका है। 30% भोजन बनना बाकी है जो शाम को 4 बजे तक पूरा कम्प्लीट होगा। पूर्ण आहुति अभी पितेश्वर धाम पर चल रही है और पूर्ण आहुति के पश्चात 4 बजे से नगर भोज आरम्भ होगा। यह नगर भोज जो है आज़ादी के बाद पहली बार हिंदुस्तान के अंदर 10 लाख लोगों का विशाल जो है नगर भोज पहली बार हो रहा है। इसके पहले अगर देखा जाए तो इंदौर जैसे महानगर में पहले होलकर वंश राजवंश की ये जो राजधानी और इंदौर था उसके अंदर होलकर राजा की शादी के समय यहाँ पे नगर भोज हुआ था और उसके बाद का नगर भोज आज पितेश्वर हनुमान धाम की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के ऊपर कैलाश विजयवर्गीय और रमेश मेंदोला मित्र मंडल द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अपने आप में इंदौर के लिए गौरवशाली बात है कि आज इंदौर महानगर में पूरे मध्य प्रदेश और पूरे भारत के अंदर सबसे विशाल नगर भोज आज इंदौर के अंदर है। इंदौर के सारे नागरिक इस आयोजन को लेकर बड़े उत्साहित हैं और सब के सब लोग पूरी तादाद के अंदर इस विशाल बाबा हनुमान जी महाराज का जो महाप्रसादी बन रही है उनके प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में उसको ग्रहण करने के लिए अपने घरों से निकलने वाली है और 4 से 5 बजे के बीच आज यहां उपस्थित होगी। इन 10 जगहों पर कम से कम 10 लाख लोगों का विशाल नगर भोज आयोजित हो रहा है। नगर भोज में प्रसाद के रूप में पूरी राम भाजी की सब्जी नुक्ति बनाई गई है। प्रसाद सामग्री गाय के देसी घी से बनाई जा रही है। भोजन बनाने में करीब 2000 डिब्बे शुद्ध घी, 90 टंकी तेल, 1000 क्विंटल आटा, 1000 क्विंटल शक्कर, 500 क्विंटल बेसन, 500 क्विंटल आलू, 500 क्विंटल सब्जी लगी है। इसके अलावा 500 किलो मसाले व अन्य खाद्य सामग्री भी इसमें लगी है। पितेश्वर हनुमान धाम के जो प्राण प्रतिष्ठा चल रही है उसके उपलक्ष्य में जो नगर भोज का आयोजन रखा है उसी तात्पर्य के कार्यक्रम के अनुसार ये भी एक नगर भोज का कार्यक्रम है। गांधीनगर खेड़ापति हनुमान मंदिर के सामने यहाँ भी रसोई घर है। करीब 50,000 श्रद्धालुओं का भोजन प्रसादी यहाँ बन रही है। शाम को पूर्ण आहुति के बाद 4 बजे भंडारा चालू होगा। कैलाश विजयवर्गीय रमेश मेंडोला मित्र मंडल द्वारा जो नगर भोज का आयोजन रखा गया है उसमें करीब 50,000 लोग यहाँ जिमेंगे और 500 कार्यकर्ता यहाँ व्यवस्था में लगेंगे। कितने ही ट्रैक्टर टाली लगी हुई है, कितने ही कार्यकर्ता लगे हुए हैं। इसी प्रकार पित पर्वत से लेकर हंसदास मठ बड़ा गणपति तक 10 जगह ऐसे बड़े बड़े भंडारे चल रहे हैं जिसमें पित पर्वत पर 2.5 लाख लोगों का, गोमटगिरी चौराहे पर 50,000 लोगों का, 50,000 लोगों का यहाँ पे, 50,000 लोगों का एयरपोर्ट, पंचशील नगर, विद्याधाम, व्यास बगीची, अखंड धाम, हंसदास मठ ऐसा करके 10 जगह करीब 10 लाख लोगों का भोजन बन रहा है और 10 लाख लोग नगर भोज में भंडारे में शामिल होंगे और लोग भोजन करेंगे। इस आयोजन को लेकर विशेष व्यवस्था की गई है। 10 लाख लोगों को प्रसादी वितरित करने का अपने आप में यह पहला आयोजन है। 7 किलोमीटर बंगत के जरिए शहरवासी प्रसाद ग्रहण कर सकेंगे। 20,000 से ज्यादा लोग इस आयोजन की व्यवस्था को संभालेंगे और परोसकारी करेंगे। साथ ही यहां बनने वाले भोजन को बनाने के लिए राजस्थान से विशेष हलवाइयों को बुलाया गया है। साथ ही इस आयोजन में सफाई व्यवस्था का भी विशेष ध्यान रखा गया है। वहीं इस 10 लाख लोगों के शहर भोज के अनूठे आयोजन को लेकर एक रिकॉर्ड भी दर्ज किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनएन न्यूज़, इंदौर।